बच्चों हमारा लेसन नंबर 13 शरारती मेहुल कंप्लीट हो गया ना। यस, तो अभी हम क्या करेंगे, वर्ब फिल करेंगे। ओके, सो वर्ब में है पेज नंबर 41। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन वन में क्या लिखा हुआ है, हाँ नहीं में उत्तर लिखिए। ठीक है, तो अभी तो आपको पता चल गया कि हमको यहाँ पे क्या करना है। ओके, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, मेहुल शांत लड़का है। तो मेहुल कैसा लड़का था, शांत लड़का था? नो, वो तो बहुत ज़्यादा शरारती लड़का था। ओके, तो ये तो गलत है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे न ही। ओके, नहीं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहुल ने कहा कि घर में चोर घुस आए हैं। तो घर में कौन घुस आया था, लुटेरे। ओके, तो यहाँ पे लुटेरे और चोर एक ही होते हैं। ओके, तो ये सेंटेंस राइट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ। मेहुल ने कहा पापा मुझे माफ़ कर दो। तो मेहुल ने ऐसा बोला था बेटा, यस, तो ये भी राइट है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे हाँ। यहाँ पे देखो लास्ट, मेहुल ने शरारत ना करने का निर्णय लिया। हाँ बेटा, जब मेहुल को अपने शरारत करने का नतीजा दिखा तब उसने क्या निर्णय लिया, कि वो अब शरारत नहीं करेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न वाक्यों को पाठानुसार क्रम से लिखिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लेसन हमने पढ़ा था ना, तो उसके कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो इसको हमको क्या करना है बेटा, क्रम से लिखना है। ओके, तो देखो यहाँ पे पहले मैं एक बार रीड करके आपको बताती हूँ। अब मैं बिल्कुल शरारत नहीं करूँगा, तो ये तो सबसे लास्ट लाइन थी ना, यस। अरे वाह, 100 रुपये, ये था फर्स्ट लाइन। हमारा बेटा अस्पताल में है, मिस्टर परमार का घर यही है, मैं सेठ जीवन राम का पोता बोल रहा हूँ। तो चलो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको क्रम वाइज लिखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी यहाँ पे, अरे वाह 100 रुपये, तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, और इसको नंबर्स लिख लेते हैं, तो ये सबसे फर्स्ट आएगा। फिर सेकेंड नंबर पे देखो क्या आएगा, मैं सेठ जीवन राम का पोता बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 नंबर। अब 3 नंबर पे देखो क्या आएगा, मिस्टर परमार का घर यही है, यस, ये आएगा 3 नंबर में। 4 नंबर पे क्या आएगा, हमारा बेटा अस्पताल में है। ओके, तो ये 4 नंबर पे लिखेंगे। देखो लास्ट ये क्या बचा, अब मैं बिल्कुल शरारत नहीं करूँगा, तो ये तो सबसे लास्ट में बोलता है ना मेहुल, तो ये आएगा 5 नंबर में। ओके, अब इसको हमको क्या करना है, लिखना है नीचे, तो देखो 1 नंबर पे जो है ना वो लिखेंगे हम पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे अरे वाह, सौ रुपये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या आएगा, मैं सेठ जीवन राम का पोता बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे मैं सेठ जीवन राम का पोता बोल रहा हूँ। देखो थर्ड लाइन, मिस्टर परमार का घर यही है, मिस्टर
परमार का घर यही है। और देखो फ़ोन नंबर पे हमारा बेटा अस्पताल में है। हमारा बेटा अस्पताल में है। फिर लास्ट क्या था, अब मैं बिल्कुल शरारत नहीं करूँगा। हम लिखेंगे अब मैं बिल्कुल शरारत नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको नंबर दे देंगे 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान भरी है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, खाली जगह यहाँ पे लिखना है। रिक्त स्थान भरी है मतलब खाली जगह हमको भरना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट, हमारे घर में खाली जगह घुस आए हैं। तो कौन घुस आए थे हमारे घर में, यस लुटेरे। ओके, तो आप लुटेरे या चोर दोनों लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लुटेरे। ओके, लुटेरे। देखो पेज नंबर 42। ठीक है, 42 में देखो, मिस्टर खाली जग्या का घर यही है। तो क्या आएगा, यस परमार। कौन बोलता है ये, इंस्पेक्टर। ओके, इंस्पेक्टर बोलते हैं ना, मिस्टर परमार का घर यही है। अब देखो नेक्स्ट, फोन खाली जग्या बातों के लिए होता है। तो कैसी बातों के लिए होता है फोन, जरूरी। ओके, तो हमको भी फालतू बातें फ़ोन में नहीं करनी चाहिए। अब लास्ट, आपको हमारे साथ खाली जगह स्टेशन चलना होगा। तो कौन से स्टेशन, रेलवे स्टेशन, नो पुलिस स्टेशन। ओके, पुलिस स्टेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, निम्न शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे जो शब्द दिया गया है ना, उसको क्या करना है, उससे हमको यहाँ पे एक सेंटेंस बनाना है। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, टाइम पास। तो अभी हमको यहाँ पे ऐसा एक वाक्य लिखना है जिसमें टाइम पास वर्ड आए। तो देखो टाइम पास, तो हम क्या लिखेंगे, तो बच्चे खेल कर टाइम पास करते हैं, करते हो कि नहीं, यस। तो लिखेंगे बच्चे खेल कर टाइम पास करते हैं। तो टाइम पास के नीचे क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्कर काटना। तो हम क्या लिखेंगे, पहरेदार घर के चारों ओर चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो बच्चों एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोगों, ज़रूरी नहीं है कि यही सेंटेंस सेम लिखो, आप अपनी मर्जी से भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन ऐसा सेंटेंस बनाना जो मीनिंगफुल हो। ओके, और उसमें ये वाक्य, सॉरी ये वर्ड आते हो। ठीक है, अब देखो चक्कर काटना, तो पहरेदार घर के
चारों और चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। अब नेक्स्ट ऑफिस, तो लिखेंगे हम मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं। मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने नुक्ता लगाया ना, तो आपको भी नुक्ता लगाना है। अगर एग्ज़ाम में आप लोग नुक्ता या कोई भी मात्रा मिस्टेक करते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लगाया ना, देखो यहाँ पे अनुस्वर है ना, तो वैसे ही आपको लगाना है। अगर नहीं लगाओगे तो भी मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन। तो टेलीफोन पर हम क्या लिखेंगे, टेलीफोन पर व्यर्थ बातें करनी नहीं चाहिए। तो लिखेंगे टेलीफोन पर व्यर्थ बातें करनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टेलीफोन के नीचे अंडरलाइन। कॉल, तो कॉल पे क्या बनाएंगे हम सेंटेंस, मैंने माँ को कॉल किया। मैंने माँ को कॉल किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेहुल की हरकत से पिताजी लाल पीले हो गए। सेकंड क्वेश्चन, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। रेखांकित कथन किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे विशेष अर्थ देने वाले कथन मुहावरे कहलाते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो आपको अंडरलाइन दिख रहा है, तो ये जो ये शब्द हैं, ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये कोई एक अर्थ दे रहा है। ठीक है, जैसे लाल पीला होना, तो लाल पीला होना मतलब गुस्सा होना। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, मुहावरा। ओके, मुहावरा इसे कहते हैं। देखो यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिए गए अर्थ के लिए सही मुहावरे पर सही का निशान लगाइए। तो देखो यहाँ पे 3 मुहावरे दिए गए, दिख रहा है आपको, और उसके ऊपर ये उसका अर्थ दिया गया है। तो आपको यहाँ पे जो सही मुहावरा है उस पर टिक करना है। ओके, देखो यहाँ पे जैसे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट, बहुत तेज भागना। तो बहुत तेज भागना का क्या होगा बेटा, हवा से बातें करना, नाक में दम करना या हवा खाना। तो सही मुहावरा क्या होगा, हवा से बातें करना। ठीक है, तो इस पे हम टिक करेंगे। तो बेटा, हवा से बातें करने का मतलब होता है बहुत तेज भागना। देखो नेक्स्ट, डर जाना। अब डर जाना का क्या है, देखो मुहावरा, चेहरा मुरझाना, भीगी बिल्ली बनना, दांतों तले उंगली दबाना। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, तो भीगी बिल्ली बनना। बिल्ली को देखा है कभी डरते हुए, जब बिल्ली डरती है तब कैसी, उसको बोलते हैं ना भीगी बिल्ली, जैसे बन गई है ना, तो भीगी बिल्ली बनना मतलब डर जाना। ठीक है, देखो यहाँ पे चेहरा मुरझाना मतलब होता है उदास होना। ठीक है, और यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सहायता करना। सहायता करना का देखो क्या है मुहावरा, हाथ
मिलाना, हाथ बटाना, हाथ धोना, तो क्या आएगा बोलो, तो हाथ बटाना। ठीक है, हम बोलते ना घर में कि मम्मी के साथ अपने काम में हाथ बटाना चाहिए, मतलब उनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, सॉरी पेज नंबर फोर कंप्लीट होता है। अब हम पेज नंबर 43 में आएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, चित्रों को देखिए और उपयुक्त तो मुहावरे से मिलान कीजिए। तो देखो यहाँ पे मुहावरे दिया गया है ना, और यहाँ पे पिक्चर्स दिया गया है, तो आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। जैसे देखो यहाँ पे पिक्चर देखो, ये क्या है, ये है पेट, पेट का सीन है ना यहाँ पे, देखो पिक्चर है ना पेट का, और उसके बाद में देखो क्या है, चूहे, तो क्या होना चाहिए इसका, ये तो इसका सही मैचिंग है। ओके, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ये तो दांत का सीन है ना, दांत दिखा रहा है। ओके, तो इसका देखो क्या होगा, कान भरना, तो कान तो है नहीं, मन खिलौटना ये भी नहीं है, दांत निकालना, यस ये हो सकता है ना, तो ये है दांत निकालना, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। ठीक है, तो ये है दांत निकालना, दांत निकालना मतलब हंसना। ओके, तो देखो हंस रहा है ना ये। अब देखो नेक्स्ट पिक्चर कान, तो यहाँ पे था ना कान भरना। ठीक है, तो यहाँ पे इससे हम मैच करेंगे। अब देखो ये क्या है, ये लड़का क्या कर रहा है, ये तो कुछ दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, अंगूठा है ना, अंगूठा दिखा रहा है, तो देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अंगूठे से रिलेटेड, मन खिल उठना तो ये भी नहीं है, मुंह में पानी आना तो नहीं ये भी नहीं है, अंगूठा दिखाना, यस ये मिल गया, तो ये हम इससे मैच कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये लड़की तो खुश हो रही है ना, स्माइल कर रही है, और यहाँ पे पिक्चर देखो, ये तो किसी चीज़ को देखकर ललचा रही है, देखो इसे मुँह से पानी भी नहीं कर रहा है ना, हाँ तो देखो हम किसी चीज़ को देखते हैं जो हमको अच्छी लगती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना, तो वैसा ही इसके साथ हो रहा है, तो देखो यहाँ पे ना मुंह में पानी आना, तो ये इसके साथ मैच करेंगे। अब लास्ट बचा है मन खिल उठना, मन खिल उठना मतलब खुश होना। ठीक है, जब अंदर से हम कोई बात को लेकर खुश होते हैं ना, तो उसका मुहावरा होता है मन खिल उठना। ठीक है, तो ये इसके साथ हम मैच करेंगे। ओके, तो हमारा पेज नंबर 43 कंप्लीट होता है, यहाँ पे हमारा ये वाला लेसन भी कंप्लीट होता है। ओके, तो आप लोग भी आपके वर्कबुक में ऐसे ही अच्छे से लिखना। ओके बेटा, सो बाय बाय बेटा।